हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक ट्रांजिस्टर टेस्टर सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आज जो सर्किट हम बनाना सीखेंगे उस सर्किट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक ट्रांजिस्टर टेस्टर सर्किट है। फ्रेंड्स, देखिए ये दो तार हैं इस सर्किट का, पावर सप्लाई का दो तार। दोस्तों, ये सर्किट 12 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सर्किट में मैंने यहां पर एक 3 पिन कनेक्टर लगाया है। दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर आप चेक करना चाहते हैं पहले उस ट्रांजिस्टर को इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, कनेक्टर के इस साइड में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट, मिडिल पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट, और साइड में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सर्किट में मैंने यहां पर एक स्विच लगाया है। दोस्तों, इस सर्किट के साथ ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद इस स्विच को ऑन करते ही जो ट्रांजिस्टर आपने इस सर्किट के साथ लगाया है, अगर वो ट्रांजिस्टर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये ग्रीन एलईडी फ्लैश करने लगेगा, और दोस्तों अगर वो ट्रांजिस्टर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो दोस्तों ये रेड एलईडी फ्लैश करने लगेगा, और फ्रेंड्स अगर वो ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है तो दोस्तों ये दोनों एलईडी फ्लैश करेगा या ये दोनों एलईडी ही ऑफ रहेगा। तो दोस्तों, ये सर्किट ऐसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, इस सर्किट का सर्किट डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें उस बोर्ड से ऐसा एक टुकड़ा काट लेना है। काटने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 555 टाइमर आईसी। फ्रेंड्स देखिए, इस आईसी में टोटल 8 पॉइंट्स है, और फ्रेंड्स देखिए आईसी में यहां पर ये जो कटा हुआ भाग है इसके ठीक पास में देखिए एक राउंड सर्कल सा एक निशान है। इसके ठीक पास में ये जो पॉइंट है ये है इस आईसी का एक नंबर पॉइंट, ये है 2 नंबर, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, और फ्रेंड्स ये है इस आईसी का 8 नंबर पॉइंट। और दोस्तों, ये जो 8 नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का पॉजिटिव पॉइंट, और ये जो 1 नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस आईसी को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकड़ा। देन दोस्तों, उस तार को हम लोग इस आईसी के 4 नंबर और 8 नंबर पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। देन दोस्तों, उस तार को हम लोग इस आईसी के 2 नंबर और 6 नंबर पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस सर्किट का पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन बनाना है। फ्रेंड्स देखिए, इस बोर्ड में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 लाइन है। दोस्तों, ये 2 लाइन हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन की तरह। फ्रेंड्स, ऊपर में ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव लाइन की तरह, और फ्रेंड्स नीचे ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव लाइन की तरह। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। देन दोस्तों, एक तार को हम लोग इस आईसी के 1 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ।
उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को हम लोग इस आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। देन उसी तार को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस रजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस 47 के रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। देखिए यहां पर आईसी का 2 नंबर और 6 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद 47 के रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग इस आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 22UF25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस कैपेसिटर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लेकिन दोस्तों लगाते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये रहेगा ऊपर की तरफ और जो नेगेटिव पॉइंट है ये रहेगा नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 47 के रजिस्टर का एक पॉइंट, आईसी का 2 नंबर और 6 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस 270 ओम रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ये दो रजिस्टर बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों यहां पर जो 270 ओम रजिस्टर हमने लगाया है उस रजिस्टर का एक पॉइंट अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 47 के रजिस्टर का एक पॉइंट और आईसी का 3 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो 270 ओम रजिस्टर हमने लगाया है उस रजिस्टर का एक पॉइंट अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ये दो डायोड बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। फ्रेंड्स देखिए इस डायोड का जो सफेद मार्क का निशान है ये है इस साइड में, और दोस्तों देखिए इस डायोड का जो सफेद मार्क का निशान है ये है इस साइड में। तो दोस्तों पहले दो डायोड बोर्ड में ऐसे लगा लीजिए। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ये दो डायोड्स का ये दो पॉइंट्स हमें एक साथ ऐसे सोल्डर करना है। सोल्डर करने के बाद इस पॉइंट को अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद ये दो डायोड्स का ये दो पॉइंट्स हम लोग एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस एलईडी बल्ब, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ये दो एलईडी बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लेकिन दोस्तों लगाते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो रेड एलईडी है इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये रहेगा इस साइड में और जो पॉजिटिव पॉइंट है ये रहेगा इस साइड में। और दोस्तों ये जो ग्रीन एलईडी है इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ये रहेगा इस साइड में और जो नेगेटिव पॉइंट है ये रहेगा इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ग्रीन एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है रेड एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद ग्रीन एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हम लोग रेड एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को अब हमें सोल्डर करना है। देखिए दोस्तों यहां पर ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट और रेड एलईडी का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर आईसी का 3 नंबर पॉइंट, 47 के रजिस्टर का एक पॉइंट और 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर ग्रीन एलईडी का नेगेटिव पॉइंट और रेड एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर डायोड्स का ये दो पॉइंट और 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस 560 ओम रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें एक 560 ओम रजिस्टर बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट अब हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर डायोड्स का ये दो पॉइंट, 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट,
ग्रीन एलईडी का नेगेटिव पॉइंट और रेड एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें दूसरा 560 ओम रेजिस्टर बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है। देखिए यहां पर डायोड्स का ये दो पॉइंट, 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट, ग्रीन एलईडी का नेगेटिव पॉइंट, रेड एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट और 560 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक 3-पिन कनेक्टर। दोस्तों ये कनेक्टर आपको आसानी से किसी खराब सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस कनेक्टर को बोर्ड के ऊपर गम से ऐसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस कनेक्टर का एक तार सोल्डर करना है। देखिए यहां पर आईसी का 3 नंबर पॉइंट, 47 के रजिस्टर का एक पॉइंट, 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट, ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट और रेड एलईडी का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद कनेक्टर का दूसरा तार हमें सोल्डर करना है। देखिए दोस्तों यहां पर दो 270 ओम रजिस्टर का दो पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें कनेक्टर का तीसरा तार सोल्डर करना है। देखिए यहां पर दो डायोड्स का ये दो पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट, इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक माइक्रो ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस स्विच को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए इसे हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। देन दोस्तों एक तार को हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें दूसरा तार सोल्डर करना है इस स्विच के मिडिल पॉइंट के साथ। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर एक 12 वोल्ट एडाप्टर कनेक्ट किया है और फ्रेंड्स देखिए मैंने यहां पर तीन ट्रांजिस्टर लिया है। दोस्तों ये है BC547 ट्रांजिस्टर, ये है BC557 ट्रांजिस्टर और दोस्तों ये भी एक BC547 ट्रांजिस्टर है, लेकिन दोस्तों ये ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है। तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग इस BC547 ट्रांजिस्टर जो अभी वर्किंग कंडीशन में है इस ट्रांजिस्टर को सर्किट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को मैंने सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को ऑन करके देखते हैं। दोस्तों इस सर्किट को ऑन करने के लिए हमें इस स्विच को ऑन करना होगा। देखिए दोस्तों स्विच को ऑन करते ही ये ग्रीन एलईडी फ्लैश करने लगा। इसका मतलब यह है दोस्तों ये BC547 एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस BC557 ट्रांजिस्टर को सर्किट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों अब ये रेड एलईडी फ्लैश कर रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों ये BC557 एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस खराब ट्रांजिस्टर को सर्किट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों अब ये दोनों एलईडी फ्लैश कर रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों ये ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक ट्रांजिस्टर टेस्टर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।